अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके फ्रेंड सोनिया आरिफ और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो, ब्री मोड की केराटिन हेयर रिबॉन्डिंग किट। ठीक है, और ये किट कैसे यूज़ करनी है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। आप देख सकते हैं ये इसकी पैकेजिंग है, ठीक है, और इसके अंदर आई थिंक 3 बोटल्स हैं और ये इसकी डिटेल लिखी हुई है सारी, हाउ टू अप्लाई, एक्सपायरी वगैरह। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं जी, इस साइड से भी आप देखें और ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये जो रिमोट किट है इसमें फेक भी मार्केट में है। ठीक है, जो हम ओरिजिनल वाले हैं उसको यहाँ से टच करके देखते हैं। ठीक है, इसका टेक्चर कुछ यानी कि अच्छा सा है, पता चलता है कि ये ओरिजिनल है। अब फेक और ओरिजिनल में पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने जहाँ से बाय किया वो सब यानी कि उनके पास जितना प्रोडक्ट होता है ना रिमोट का, वो सब जो है ओरिजिनल होता है। अब हम इसकी पैकेजिंग खोल के देख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर से क्या निकलेगा। ये इसकी फर्स्ट क्रीम है, ये इसकी सेकंड क्रीम है और ये इसकी थर्ड क्रीम है, ये ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अब जैसे जैसे यूज़ करनी है और जैसे जैसे इसको आपने अप्लाई करना है और यानी कि कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर्स हैं और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, ये आम लोगों को नहीं पता होता, तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी केराटिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, आम बंदा ये नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी वन क्रीम, ठीक है, वन क्रीम जो हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट में। ठीक है, इसको हम लगाएंगे कोई आई थिंक 45 मिनट्स। ठीक है, और ये है जी इसकी सेकंड क्रीम, इसके ऊपर अब लिखा हुआ है बी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लगाएंगे, जितनी देर हम लोग इसको लगाएंगे ना उसके हाफ टाइम के लिए इसको लगाएंगे, ये वाली जो बी वाली है। ठीक है, इसका ये होता है कि ये बेसिक जो है आपके बालों को स्ट्रेट करती है। और थर्ड नंबर पे जो आती है जी सी, ये सी है इसकी, ठीक है, सी क्रीम है इसकी। अब मेरे पकड़ने में शायद कुछ गलती ना हो रही हो, लेकिन ये इसकी सी क्रीम है। ठीक है, रिमोट की जो हम लास्ट में लगाते हैं 5 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए या 5-10-15 मिनट के लिए। और ये जो बी वाली है ये हम लगाते हैं जी ये ए के हाफ टाइम के लिए, यानी कि ये हमारी लगेगी कोई 20-25 मिनट के लिए, ये वाली जो बी क्रीम है। ठीक है, अब ये वाली जो है ये ए का तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स हैं, तो आपको ये काफ़ी टाइम यानी कि फुल आपकी बोटल्स यूज़ हो जाएंगी, यानी कमर तक बाल है तो फुल बोटल्स आपकी यूज़ हो जाएंगी। अगर आपके बाल जो हैं वो यानी कि बहुत छोटे हैं, शोल्डर्स तक हैं, तो फिर ये हाफ यूज़ होंगी। ठीक है, और अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमर से भी नीचे हैं, हिप तक हैं, तो उसके लिए आपको रिमोट की दूसरी किट लेनी पड़ेगी जिसमें सारी यानी कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, आप लोग अगर ले भी लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद से करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी कि बाल आपके डैमेज हो जाते हैं या बाल आपके ख़राब हो जाते हैं, पर्सनली आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी ब्यूटिशन से करवाते हैं, किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाते हैं, तो वो अच्छा, उससे रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, बालों में शाइन भी आती है, उनके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि स्ट्रेटनर या उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो रहा हो तो वो फ़ौरन से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आम घर में
यूजली मैंने सुना है कि लोग यूज़ कर रहे होते हैं घर में, उन्होंने यूज़ किया तो उनके बाल डैमेज हो के टूटना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जले हुए होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आप घर में यानी कि इजीली कर सकें। जैसे समटाइम हम लोग डाई कर लेते हैं, लेकिन डाई भी अगर आप पॉलर से करवाते हैं तो आपके रूट्स में नहीं लगाते, ठीक है, आपने रूट्स को छोड़ के लगाते हैं। लेकिन अगर आप घर में लगाते हैं तो आप प्रॉपर रूट्स में लगाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी से वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आम बंदे को नहीं पता होती, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको समझाऊँ। अच्छा, अगर आपके बाल सिल्की हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हेयर्स हैं तो ये फुल बॉटल्स भी मेरे हमें कम हो जाएंगी। और अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो भी आप इसकी क्वांटिटी अपने बालों के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो आप देख लें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और अभी मैं इसका रिव्यू करूंगी, यानी कि मैं इसको यूज़ करूंगी, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि ये रनी फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ी सी लिक्विडी है, जैसे कि ब्रीमोट का हेयर मास्क होता है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसका कलर येलो है, बाकी बॉटल्स में जो है वो वाइट कलर का मटेरियल है, वो भी रनी नहीं है, वो भी इसी तरह थिक है और बहुत अच्छा इसका यानी कि मटेरियल मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या कैसा रिज़ल्ट है इसका। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को देखा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी तमाम वीडियो को देखिएगा भी और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।